दोस्तों ये चूज़ा बीमार हो गया, ये देखें, ये गोल्डन हैवी का चूज़ा था, ये देखें किस तरह चल रहा है। इसका भी मेडिसिन करते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा चूज़ा था, ये देखें इसके साथ के ये चूज़े बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से। वो बड़ा चूज़ा था, काफ़ी कमज़ोर हो गया ये। सीप की निकली हुई इसकी, मैं छोड़ देता हूँ दोबारा, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर है, आप देख सकते हैं। जी मेरे ख्याल में बीमार हुआ खड़ा, पता नहीं क्या हो गया इसको, गर्मी लगी होगी, आजकल गर्मी काफ़ी पड़ रही है। गाना फॉल के चूज़े देखें माशाल्लाह से, ग्रोथ उनकी देखें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए खा भी नहीं रहा है, ये मेडिसिन करते हैं। गाना फॉल के चूज़े देखें माशाल्लाह से ग्रोथ, शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद इकबाल, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल जावेद इकबाल यूट्यूब चैनल पर। ये देखें माशाल्लाह से, मैं डव के कॉलोनी के अंदर आया हूं, और कुछ मैंने बच्चे भी इसको करने थे, चेंज करने थे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत बच्चे निकले हुए हैं, खासकर सफ़ेद कलर में निकले हुए हैं। ये देखें, ये अगर आप कैमरे दिखाएँ, ये देखें, ये बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, ये मेरे ख्याल में लाल कलर निकाल रहे हैं थोड़े से, रेड कलर में है ये बच्चे, ये आप देखें, और ये सफ़ेद कलर में है, ये देखें माशाल्लाह से, आप चेक करें बिल्कुल, ये तो तकरीबन फ्लाइंग करने वाले हैं, ये देखें ऐसे पर पूरे आ जाएंगे, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल ही छोटे बच्चे, ये वाले, ये तकरीबन हो जाएंगे 3-4 दिन के हो जाएंगे ये बच्चे, और ये तकरीबन 8 से 10 दिन के बच्चे होंगे। ये देखें काफ़ी खूबसूरत, इससे बड़े बच्चे भी हैं, वो भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ, लेकिन वो फ्लाइंग कर जाएंगे जो ही मैं उनको केज से निकालूँगा। तो ये बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये देखें, ये कैमरा फोकस करें आपको दिखाएंगे, ये देखें ये बच्चा, देखें बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा है ये वाला, और ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, ये हैं एक ही पेयर के माशाल्लाह। ये अभी मैंने उठाया इनको, मेरे ख्याल में हवा लग रही है, ये देखें ये बिल्कुल ही, अब देखें बड़ा प्यारा बच्चा है, और ये बच्चे देखें इस तरह मैं कर देता हूँ, ये दो बच्चे हैं, ये भी एक ही प्यार के बच्चे हैं, ये मेरे ये घोंसले से फ्लाइंग करने वाले हैं, ये अभी ये पूंछ देखें बिल्कुल छोटी पूंछ है इनकी, काफ़ी बड़ी होती है, जी दोस्तों मैं इनको रख देता हूँ, माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं ये, ये देखें, और ये बच्चे देखें माशाल्लाह से, देखें, और इनकी एज तकरीबन 3-4 दिन होगी, इनकी एज 1 हफ़्ता 8 दिन होगी इनकी, ये तो बिल्कुल नए वाले हैं। तो कुछ और बच्चे मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी बच्चे इनके पड़े हुए हैं, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही हैं, तो बच्चे ये मैं आपको फ्लाइंग वाला बच्चा दिखाता हूँ जो फ्लाइंग करता है, ये बच्चा देखें, ये अभी फ्लाइंग करेगा, दिखाता हूँ, ये देखें ये उड़ गया है, इनको मैं दोबारा रख देता हूँ, तो माशाल्लाह से इनकी प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी, एक और मैं कबूतरों ने भी बच्चे दिए हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। माशाल्लाह से पिछले हफ्ते मैंने दिखाए थे, एग्ज़ ले के होते कबूतरों ने, अब बच्चे भी निकल आए हैं,
वो मैं आपके साथ शेयर कर चलते हैं कबूतरों की कॉलोनी के अंदर, वो आपको दिखाते हैं। तो उसको कबूतरों के बच्चे निकलना शुरू हो गए हैं, ये देखें, ये दूसरा पेयर है जो घोंसला बना रहा है, ये इसके अंदर बैठिए, ये देखिए ये घोंसला बना रहा है माशाल्लाह। इसके में भी इंशाल्लाह ब्रीड होगी, आपके साथ शेयर करूँगा। एक और ब्रीड मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ ये बैठे हुए फीमेल, ये देखें इसके बच्चे निकले हुए हैं, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें इसके पट्ठे निकले हुए हैं और मैं अभी दिखाता हूँ आपको, फीमेल उड़ गई है तो ये देखें दोस्तों, अभी मैंने उठाए परों पर लगे हुए थे, ये कबूतरों के दो बच्चे निकले हुए हैं, बिल्कुल छोटे से बच्चे, मेरे ख्याल कल ही निकले हैं ये, इनको मैं रख देता हूँ दोबारा। दोस्तों ये देखें मुर्गी ने क्या कर रखा है, इसने सारी जो धागे वगैरह हैं वो इसके पाँव में फंसे हुए हैं, इसी कोशिश करेंगे इसको निकालेंगे, पता नहीं ये किस तरह फंस गए हैं। ये देखें सारे धागे फंसे हुए हैं, ये न्यू बंटम का मुर्गा है, अभी इसके साथ मुर्गी मैंने छोड़नी है, ये देखें मैं न्यू लेके आया हूँ। दोस्तों गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आप मेरी हालत देख सकते हैं, पसीने आए हुए सारे, मैं फिंचेस ने एग्ज नीचे ले करना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि मैंने मटकियाँ उतार दी थी, तो ये देखें ये एग्ज नीचे ही देन स्टार्ट कर दिया है क्योंकि गर्मी है, ये भी सही है साहब, जो है बाहर ही दे दें कोई मसला नहीं है, अगर मटकियों के अंदर देती तो ये गर्मी की वजह से एक्सपायर भी हो सकती थी, मर भी सकती थी। ये अभी नीचे आ जाएंगी सारी, और भी काफ़ी एग्ज दिए हुए हैं बाहरी, मैं इनको दाना डाल देता हूँ, मैं तकरीबन एक महीने बाद इनकी मटकियाँ लगाऊंगा, एक महीने का रेस्ट भी मिल जाएगा इनको, तो ये ब्रीड भी अच्छी करेंगी, क्योंकि अभी इनको रेस्ट देते हैं क्योंकि ये एक्सपायर हो रही थी, इसलिए मैंने इनकी मटकियाँ वगैरह उतार दी हैं, और मैंने जावा के कुछ पीस भी इसी के अंदर छोड़ दिए हैं, चलो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं आज, खासकर मुल्तान के अंदर काफ़ी गर्मी है, चलिए दोस्तों रिंगनेक की तरफ चलते हैं, ये देखें जैसे इंतज़ार कर रहे हैं रिंगनेक जी। दोस्तों मैं आ चुका हूँ रिंगनेक के कॉलोनी में, माशाल्लाह से ये मैं लौकी लेके आया हूँ तो मैं इनको उतारूँगा, ये देखें ये पके हुए थोड़े, इसको मैं अभी आधा आधा कर लेता हूँ, मैं बीज वगैरह भी आपको दिखाता हूँ। ये आधा कर लिया मैंने, ये देखें ये बीज वगैरह चेक करें, ये आपको शायद सही नज़र नहीं आ रहे होंगे धूप की वजह से, तो मैं इनको डाल देता हूँ अभी, आ जा ये नीचे बाजरे बैठी हुई हैं, अभी इसके ऊपर ये दोबारा बाजरे की तो चली जाती है, चलिए इसको बाजरा खाने देते हैं, तो इनको मैं ये रख देता हूँ यहाँ पे, ये खाना शुरू करेंगे अभी, ये बाजरा अभी सारे नीचे आएंगे, ये बीज आपने खिलाना है इनको, इसके अंदर बीज है, बड़ा नरम बीज होता है तो ये बड़े शौक से खाते हैं।
तो मैं इनको रख देता हूँ अभी। ये मैंने बाजरा डाला था इनको, तो वो भी खा रहे हैं अभी, तो इसके बाद ये खाएंगे। देखिए ये लोग फीमेल शुरू हो गई है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ हमेशा नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुँच जाए। उस दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।